ये एक बैकग्राउंड है। सबसे पहले एक टेक्स्ट लेंगे, क्या लेंगे? टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट में लिखा यश, कैपिटल स्मॉल आपकी इच्छा है, ठीक है। अब इसको हम 3D लोगो में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? मैंने इसको कंट्रोल टी किया, क्या क्या कंट्रोल टी, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैं इसको एक तरह से वो करूँगा, खींचूंगा, ये चारों तरफ से बराबर खींचेगा। शिफ्ट से खींचूंगा तो एक तरफ से खींचेगा, देख रहे हैं, और ऑल्ट शिफ्ट से करूंगा तो दोनों साइड से खींचेगा, ठीक है, मतलब चार साइड से हो गया। अब मैंने इसको थोड़ा सेट कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसको इधर कर दिया लेफ्ट साइड पर, क्यों देखते हैं, राइट साइड में अगर 3D शेड हुआ तो इसको दिक्कत होगी। फिर इसको यश को मैंने यहाँ पे नीचे गया और यहाँ होता है न्यू 3D एक्सट्रूशन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर, इसको क्लिक कर दिया, ये चेंज हो गया। इसकी डेप्थ सोर्स थोड़ा कम कर देंगे, लगभग इतना, मेरे हिसाब से इतना परफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो ये है इसका पोर्शन, तो अब हम इसके बारे में चार, ठीक है। ठीक है, सेलेक्ट हो गया, इसको मैंने थोड़ा सा इस डिज़ाइन में डाल दिया, ये डिज़ाइन थोड़ा ठीक भी है और इसमें तीन चार कलर हो जाएंगे तो हमें आसानी से बन जाएगा, ठीक है। पहला है यश, इसमें कौन सा कलर है, ये स्पेकलर में लगा हुआ है, तो इसमें मैंने डाल लिया ब्लू, दिख रहा है, थोड़ा सा इस तरह से डार्क टाइप का या लाइट, जिससे माप की बच्चा हो वो करो, ठीक है। अब दूसरा है ये पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट आप ऐसे भी कर सकते हो क्लिक करके भी, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा रेडिश, हल्का सा, ठीक है। अभी पीछे वाला है, इसमें मैंने डाल दिया, चलो येलो डाल दिया, डार्क भी डाल सकते हैं लाइट भी डाल सकते हैं, मर्जी आपकी, तो मैंने थोड़ा सा ये इस तरह से डाल दिया। अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा, अजीब लग रहा है ना, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा छेड़खानी करेंगे, इसको डिफ्यूज का थोड़ा सा मैं ब्लू में ही जाता हूँ, हल्का सा सेट कर देता हूँ ये लो, और इसका वो भी सेट करता हूँ थोड़ा सा मैं, ये लगभग कितने पे रखता हूँ, ठीक है। दो कलर डाल के तीसरा कलर भी डाल सकते हो, मल्टीपल शेड कलर डाल सकते हो इसमें, ठीक है। एम्बेड करोगे तो ये अलग अलग तीनों कलर को मिला के एक बना देगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा ग्रेश बना देता हूँ थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, इसका डेप्थ कम करना है कम करो, बढ़ाना है बढ़ाओ, जितना बढ़ाना है, मैंने कर दिया लगभग इतना, ठीक है। अब टेक्स्ट का कलर ब्लू है तो मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, देखो जो भी मेरे को अच्छा लग रहा है उस कलर में शेड में चला जाऊँ, नहीं तो छोड़ दूंगा, ठीक। अगर आप कुछ इमेज लगाना चाहते हो तो यहाँ से एडिट से क्लिक कर लो और सोर्स में जाके इमेज भी लेके आ सकते हो, ठीक है, एडिट से। जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाता है तब मैंने ओके कर दिया इसको, ठीक है। अभी आपको कैसे लग रहा है? ज़्यादा कुछ खास नहीं, नॉर्मल, ऐसे ही लिखा हुआ। अब हम इसको करेंगे, इस लेयर को क्या करेंगे, पोस्टराइज, क्या करेंगे, पोस्टराइज। तो ये है पोस्ट कार्ड, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एक पोस्ट कार्ड बन जाएगा, ये भी एक 3D लेयर के साथ सेट हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम कंट्रोल ई कर देंगे, यानी कि मर्ज कर देंगे, और इसको राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, रेंडर 3D लेयर। उसके बाद जो आउटपुट आएगा आपके सामने शो हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपके सामने आउटपुट आएगा, दिख रहा है, गहराई वाला। पहले क्या लगा हुआ था कि 2D ही लग रहा था, अब लगेगा ये 3D। इसकी कुछ प्रोसेसिंग है, टाइम लगता है, वेट करो। आप चाहें तो इसकी बॉर्डर का जो कंटेंट है वो भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। तकरीबन आधा घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि लोगो 3D बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि उसका रेंडर कितने देर में निकलेगा,
रेडी लोगों तो आपका मुश्किल से आधे घंटे में बन जाएगा। मेन होता है ब्लेंडर पे, जितना अच्छा पीसी होगा उतना कम टाइम लगेगा। अगर इसका आप पीछे जाना चाहते हो तो एस्केप दबा देंगे तो पीछे चले जाएंगे। मुझे इसमें यहाँ पे लग रहा है ये ब्लू लगा दिया मैंने गलती से, येलो लगाया था ना मैंने। इसको मैं थोड़ा इधर से ले लेता हूँ, लेयर में जाके दोनों को वापस से कंट्रोल ही कर सकता हूँ। हाँ येलो आ गया, अभी बेकार सा लग रहा है लेकिन बाद में जब इसको मैं 3D रेंडर करूँगा तभी अच्छा लगेगा। अभी आप देख लो इसका आउटपुट, आप देख लो इसका आउटपुट। अच्छा, प्रीमियर में बना सकते हो आप, और बहुत सारे ऐप्स हैं ऐसे तो। प्रीमियर भी एक ऐप, आफ्टर इफेक्ट में इफेक्टिंग होती है, प्रीमियर में एडिटिंग कर सकते हो, और एप्पल में, एप्पल के लैपटॉप का अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो मैकबुक का अलग होता है, इसका अलग होता है। अब जब पहले आउटपुट आपने देखा था येलो कलर आपको ऐसे ही दिख रहा था, ब्लू कलर ऐसे ही दिख रहा था, लेकिन अभी आपको डेप्थ दिख रही है कि रखा हुआ है किसी दीवार पे। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ तो कोई नहीं, इसलिए तो वीडियो बनाई है, नेट पे डाल दूंगा देख लेना। इस तरह से कुछ रेंडर आउटपुट आ जाएगा आपका। ये थोड़ा सा येलो कलर देखो, येलो कलर लगाया था ना तो दीवार में दिख रहा है। आप कलर चेंज करोगे कलर दिखेगा, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से आप चेंज करो कलर, देखो चेंज हो रहा है, फिर वापस आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, दिख रहा है वापस से। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप बाद में भी चेंज, अगर आपको लगे कि हाँ भाई 3D में मेरे को अब 3D लेयर बन गया, मेरे को दिक्कत है इसमें कि यहाँ पे शेड आ रहा है, या मुझे ब्लू शेड चाहिए या ये दूसरे कलर की शेड चाहिए, कोई बात नहीं, लेयर से इसमें जाओ 3D में, जहाँ पे भी है शेडो का सिक्वेंस, ये है जैसे कि शेडो का सिक्वेंस, इसको ब्लू कर दो, बात खत्म, या येलो कर दो, या ग्रीन कर दो, मर्जी है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बाद में फिर लेयर पे आओ, फिर रेंडर मार दो। सॉरी, अब वो ग्रीन शेड के हिसाब से चिपक जाएगा उसके साथ, देखो दिख रहा है। तो बच्चा हो जाएगी ना, क्यों नहीं होगी, बस सामने वाले इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले में थोड़ा इमेज पहले से बनी हुई है ना, वो सब जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से कुछ डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। आगे कल हम थोड़ा सा एडवांस डिज़ाइन क्रिएट करेंगे।